राजस्थान विधानसभा में आज बिजली किल्लत और कटौती को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऊर्जा मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मंत्री दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में 22 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है, जबकि मई में 25% और जून में 28% कम बिजली की आपूर्ति की गई है। जूली ने सवाल उठाया कि इतनी सप्लाई कहाँ से दी जा रही है। आपका ध्यान आकर्षित इस ओर करना चाहूँगा कि सदन को जो जवाब दिया गया है ना, उसमें सदन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। खंड बे में आप ही देख लो, आपने कहा है कि हम 20 से 22 घंटे बिजली दे रहे हैं खंड बे में, और किसान को 6 घंटे दे रहे हैं, आप लिख के दे रहे हो इसमें। और पीछे जो आपने एनेक्चर लगाया है इस परिशिष्ट ए में, आप ये कह रहे हो कि मई में तो 25% हमारे पास कमी आ रही है और जून में 28% कम आ रही है, तो ये परसेंटेज के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो 24 घंटे में 20-22 घंटे बैठती नहीं है बिजली। ये तो सबसे पहले मैं सदन को ये बताना चाहूँगा। दूसरा, हकीकत आपको भी पता है, रात के 2-2 बजे तक बिजली नहीं आ पा रही है। माननीय, मेरा सीधा सा प्रश्न है, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जनता को जवाब देना। वही ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि अतिरिक्त बिजली खरीदकर डिमांड पूरी की जा रही है। उनके अनुसार सरकार ने बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। इससे पहले भाजपा विधायक ने इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगों के नाम पर मिली जमीनों के दुरुपयोग का सवाल उठाया। इस पर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर राज्यवर्धन ने जवाब दिया कि रीको इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। जवाब के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सरकार से इस तरह की पॉलिसी में बदलाव की सलाह दी है। विधानसभा में आज नहरी पानी के मुद्दे पर भी विपक्ष के विधायक सरकार को घेर सकते हैं। मारवाड़ के विधायक वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि WRCP का मुद्दा भी उठा सकते हैं। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।